सारे मुल्ला जो कह चुके हैं वो ख़त्म हो गया, तो आप मुनव्वर राना जी, अब आप सबसे सबसे ज़्यादा इतने खूबसूरत शायर हैं, आप सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं जो इतनी अच्छी शायरी करते हैं, इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, और आप अपने ही देश को तालिबान से कंपेयर कर रहे हो। मतलब दिस इज़ वेरी अनफेयर। आई मीन आप रहते यहाँ पर हो और फिर आप इतने बड़े शख्स हो, आप इतने बड़े शायर हो, आपको बहुत लोग जानते हैं, आपकी इतनी अच्छी कविताएं हैं, और फिर आप ऐसी बातें करते हो। मतलब ये एक के पीछे एक शौक आते जा रहा है कि मतलब हो क्या रहा है। मतलब क्या हम इंडियंस को आप तालिबान से कंपेयर कर रहे हो? इससे ज़्यादा शॉकिंग और क्या हो सकता है? मतलब किस बात से आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, किस बात पे? क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय लोग थे और हैं, अब तक भी हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि आपने क्या सोच के अपनी कंट्री को और अपने लोगों को तालिबान लोगों से कंपेयर किया। आपको आके जवाब तो देना ही पड़ेगा कि इतने बड़े शायर और इतने बड़े पोएट होने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हो जो इतने लोग सुन रहे होंगे, तो आपको इसकी सफाई तो देनी ही पड़ेगी कि कम एंड से व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दिस, दैट तालिबान और इंडिया में जो कंपैरिजन आपने किया है उसके बारे में आपको बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुल्ला तो चले गए, मुल्ला तो बोल चुके, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो है ही ऐसे, लेकिन आपने भी कहा है, तो आई थिंक यू शुड क्लैरिफाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट।